हाय लिब्रा और आपकी मल्टी प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और उसके साथ में ये वीडियोस मैं थोड़ा सा पहले बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने नए साल के बारे में चेंज कर सकते हैं। और जब आप दिसंबर की प्रेडिक्शंस देखोगे, अगर आपने नहीं देखी हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको जो आप चेंज कर सकते हो अपने 2021 को बेहतर बनाने के लिए। और उसी सेम लाइन पर मैं आपके साथ जनवरी की रीडिंग जो है वो जल्दी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक विंडो मिले, एक टाइम लाइन मिले जिन पर आप कुछ चीज़ों पर वर्क कर पाएँ और अपना जनवरी का महीना और एक्चुअली 2021 का पूरा साल जो है वो बेहतर बना पाएँ। और टैरो कार्ड्स के बारे में यही सबसे अच्छी चीज़ है कि टैरो कार्ड्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं एरिया पे, आप जिस एरिया पे आपको वर्क करना है ताकि आप उन चीज़ों पे वर्क करके अपना आने वाला समय जो है वो बेहतर बना पाएँ। उसके साथ में इस महीने में और एक चीज़ ऐड कर रही हूँ रीडिंग में कि 2021 में आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसे ग्रो होगी, आपका सोल पर्पस क्या होगा, आपकी सोल ग्रोथ किस तरह से होगी, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2021 की। जनवरी 2021 का महीना जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है, ये महीना फर्स्ट ऑफ ऑल ये महीना है पावर का, पावर और स्ट्रेंथ। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका सेंटर कार्ड ही एम्परर और स्ट्रेंथ कार्ड आया है, और एम्परर इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। एम्परर का कार्ड ही स्ट्रेंथ के बारे में होता है, एम्परर का कार्ड ही अपनी माइंड की पावर, अपनी फिजिकल पावर, अपने एक्सपीरियंस के बारे में होता है, और स्ट्रेंथ कार्ड एनीवेज सब आपके आपके माइंड की पावर के बारे में है और अपने माइंड को आप किस तरह से कंट्रोल करते हो, किस तरह से यूज़ करते हो। उसके अलावा जस्टिस का कार्ड आया है आपके कार्ड्स पे, मून कार्ड आया है आपके कार्ड्स पे, और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल आया है, थ्री ऑफ वैंड्स आया है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हैं, और वो चेंजेस ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकाल के एक नई ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो अबंडेंस का कार्ड भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स या बोलो भगवान से एक गिफ्ट मिल रही है, जहाँ पे आपको जो भी चीज़ें, रिसोर्सेज, जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत थी वो आपकी लाइफ में आएंगी, प्रोवाइडेड आप अपनी इमोशंस को, अपने माइंड सेट को, अपने थाट्स को पॉजिटिवली और स्ट्रांगली यूज़ करो। तो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना जो है इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। उसके साथ में एक वार्निंग मैं आपको बोलूँगी, इस महीने आपने कोशिश करनी है एक अपना हार्मोनल हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, दूसरा आपने कोशिश करनी है कि किसी भी चीज़ों में अगर कोई डिले हो रहा है या किसी भी चीज़ों में इमोशंस आपके हावी हो रहे हैं तो अपने आप को बैलेंस रखना है, क्योंकि मून कार्ड आपका नो स्पेस पे आया है और मून कार्ड होता है हमारे डर के बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में। तो इसलिए आपने थोड़ा सा अपने आप को उस जोन में अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप्स में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूँगी इस महीने एक बैक हेल्थ, अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है, आप किस तरह बैठ रहे हो, किस तरह चल रहे हो, किस तरह कितना आप बैठ रहे हो, कितना आप चल रहे हो, कितना आप एक जगह पे हो, उसका आपने बहुत ध्यान रखना है। पोस्चर इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये इस महीने मुझे जनवरी के महीने में लगभग सभी के कार्ड्स पे स्पाइन रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, तो बैक रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, इसलिए अपने पोस्चर का आपने बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड, इस महीने आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के एलर्जीज़ और वायरसेस, सो वायरल एलर्जीज़, वायरसेस, इनसे अपने आप को आपने सेफ गार्ड करके रखना है, ये दूसरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई मेजर चेंज, मेजर प्रॉब्लम आपके कार्ड्स पे नज़र नहीं आ रहा है। एक लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये कि अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इस महीने, क्योंकि मुझे इमोशंस में काफ़ी उथल पुथल नज़र आ रही है इस महीने आपके लिए, और जितना ज़्यादा आप अपने, और इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि शायद ये महीना है जब आप अपने इमोशंस पे काम करें, और जो एक आपका बहुत स्टबर्न माइंडसेट है कुछ चीज़ों को लेकर, उसको थोड़ा सा चेंज करें, तो उसी के लिए ये इमोशनल उथल पुथल है थोड़ी, और वो बैलेंस्ड हो जाएगी, लेकिन आपने अपना ध्यान जो है वो पॉजिटिव्स पे रखना है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी इस महीने मुझे सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जब आपके पास मनी आता भी है और आप शेयर भी करते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जब आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलता है, प्रोवाइडेड आप दूसरे जो डिजर्व करते हैं वो दूसरों के साथ शेयर करते हो। तो सिक्स ऑफ कप भी एक तरह से जस्टिस का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड भी आपके कार्ड्स पे है, तो जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मनी आप डिजर्व करते हो वो डेफिनेटली आपके कार्ड्स में है। उसके साथ में किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल अबंडेंस होता है, किंग ऑफ पेंटिकल मनी फ्लो आपकी लाइफ में आने का होता है, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई भी प्रॉब्लम आपके कार्ड्स पे नजर नहीं आ रही है। द ओनली थिंग जो मैं आपको बोलूंगी वो ये कि
डर अपने मन में नहीं रखना है, मनी को लेकर, चीज़ों को लेकर किसी तरह का भी कोई डर आपने अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, अगर आपके पास है आप दूसरों की हेल्प करें, सपोर्ट करें, लेकिन अगर अपने मन में आप डर रखेंगे, अपने मन में आप फेयर्स रखेंगे कि क्या पता होगा नहीं होगा, कल होगा नहीं होगा, तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सब कुछ सही होगा, आपको डर नहीं रखना है अपने मन में। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो लव या रिलेशनशिप्स इस महीने कुछ रिलेशनशिप्स में आपके उथल पुथल हो सकती है। शुरू में ही टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आना, या आपके रिलेशनशिप्स में किसी तरह आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, कोई अपने आप को एक्सप्रेस करे, उस तरह का कोई चेंज जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में क्योंकि स्ट्रेंथ के ऊपर एम्परर है, ये हो सकता है कि आप बहुत एडमिंट हो जाओ, और फाइव ऑफ सोच भी है, ये हो सकता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ जस्टिस, आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ बहुत ज़्यादा एडमेंट हो जाओ कि यही सही है, ऐसे ही होगा, यही करना है, और उसकी वजह से आप आर्ग्यूमेंट्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में भूल जाओ। कई बार हम जब ज़्यादा बहस करते हैं तो हम इंसान को खो देते हैं, तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको इंसान चाहिए या आपको अपनी बहस जीतनी है। तो इस महीने आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहस में नहीं पड़ना है लोगों के साथ, स्पेशली अपने लव्ड वंस के साथ। आपकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस है, चीज़ें हैं, मुझे पता है कि आप बहुत सही और गलत को बहुत अच्छे से मापते हो, और आप चाहते हो चीज़ें इस तरह से हो और इस तरह से ना हो, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये महीना नहीं है वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि अगर इस महीने में वो चीज़ करोगे तो मुझे आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ट्रबल, कुछ प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर वो आएंगे तो फिर आपको स्ट्रेस होगा या नींद नहीं आएगी। दो पॉसिबिलिटी है कि इंटरवेंशन होगी, और इंटरवेंशन की वजह से कुछ लोग इंटरवीन करेंगे जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब आप ऑल टुगेदर इनको अवॉइड कर सकते हो तो फिर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अवॉइड ही हो जाएंगे। तो इस महीने अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा एडमिंट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रांग नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अगर आप ये देखोगे तो ये एक लायन को ना, एक फीमेल है, उसने एक लायन का मुंह खोला हुआ है, मतलब पकड़ा हुआ है एक तरह से मुंह। तो इस महीने ज़रूरी है कि आप क्या बोलें वो सोच के बोलें, क्योंकि एम्परर और जस्टिस दोनों ही मिलके ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हो कि मुझे ही सब कुछ पता है, और जब आप ऐसे मोड में जाओगे तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलोगे जो सही नहीं होंगी, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है कम्युनिकेशन की वजह से। तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप वो ध्यान रखोगे तो ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। रादर किस तरह का अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम था, कोई स्ट्रेस चल रही थी, आप सो नहीं पा रहे थे, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, तो आप डेफिनेटली उस पोजीशन की तरफ या उस सिचुएशन की तरफ या सोल्यूशन की तरफ जाओगे। आपकी हेल्थ में एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस महीने अपनी स्लीप पैटर्न का ध्यान रखना है, अगर हो सके तो थैंक यू एक्सरसाइज करके सोइए रात को, ताकि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मुझे आपके नींद के साथ किसी तरह का प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे रहा है, और वो हो सकता है क्योंकि हार्मोन्स थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं या इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू एक्सरसाइज करके सोएंगे, आराम से नींद आएगी, और नींद सही से आएगी तो इमोशंस भी बैलेंस होंगे, हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। बात करें आपके जॉब या करियर की, जॉब या करियर किंग ऑफ पेंटिकल है, एम्परर है, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है जॉब के साथ, अगर नहीं भी थी, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, मोस्ट प्रॉब्ली जॉब होगी आपके पास, लेकिन अगर नहीं भी थी तो जॉब में इम्प्रूवमेंट या बिजनेस में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, कम्युनिकेशंस पॉजिटिव आपकी तरफ आने के चांसेस हैं, जो गोल्स आप अचीव करना चाह रहे थे उनकी तरफ आपके जाने के चांसेस हैं, रादर मेजरली आपको उन गोल में से काफ़ी कुछ अचीव होता हुआ दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए फाइनेंसिस की वेट कर रहे थे तो वो आपके पास आने के चांसेस हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, तो उसके आने के भी चांसेस हैं। दो चीज़ें मैं आपको बोलूँगी इस महीने, एक बहस में किसी के साथ नहीं पड़ना है, तो अपने ऑफिस में भी ध्यान रखिए कि अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ें आप गुस्से में आके अपनी जॉब ना छोड़ दें, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखना है इस महीने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। दूसरा, अगर किसी तरह की कोई डिले हो रही है आपके ग्रोथ में या प्रमोशन में, तो उसको अपने हार्ट पे मत लीजिए, उसको नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में वो अच्छे के लिए हो रही है, उसके बाद में जो आपको प्रमोशन मिलेगी कि उसमें आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी या ज्यादा मनी मिलेगा, तो इसलिए आपने उसको भी नेगेटिवली नहीं लेना है। तीसरा, आपकी कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना है, तो इस महीने बहुत ध्यान रखना है, आप क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या ईमेल जा रही है, क्या ईमेल आ रही है, आपकी कम्युनिकेशंस बहुत केयरफुल होकर आपने करनी है। तो जॉब और वर्क में इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, और बिजनेस में भी आपको ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा एक मुझे मेंटल इमोशनल स्ट्रगल लग रहा है आपका, लेकिन अगर आप खुद को बैलेंस रखोगे तो आप उससे बहुत अच्छे से पास कर पाओगे।
बात करें आपके सोल पाथ या सोल ग्रोथ की, जस्टिस का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड ही होता है आपके कर्म, आपके सोल का, आपको किस पाथ पे जाना है उसका, सही गलत का। और ये कार्ड्स आपके इस महीने ये बोल रहे हैं कि खुद पे काम कीजिए, अपने अंदर पे काम कीजिए, अपने इमोशंस पे काम कीजिए। हर चीज़ जो होती है वो सही और गलत नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमें सही लगती हैं, गलत हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हमें गलत लगती हैं, सही हो सकती हैं। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए और ये आपके सोल ग्रोथ होगी कि किसी को भी जज नहीं करना है आपने, किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं बनना है आपने। अपने आप को काम डाउन रखना है और इंटरनली एक बार चीज़ों को सोचना है और बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना है, और यही आपकी सोल ग्रोथ है इस महीने। बात करें आपका चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ आपका रूट चक्र आया है, बेस चक्र। ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है, बेस चक्र की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि इस महीने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप कितने ग्राउंडेड हैं, और उस ग्राउंडेड होंगे तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। आप इमिडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे, आप इमिडिएटली गुस्सा नहीं करेंगे, आपको आर्ग्यूमेंट जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहेगा, क्योंकि आप ग्राउंडेड हैं, आपकी एनर्जीज काम रहेंगी। तो अपने आप को ग्राउंडेड ज़रूर रखना है इस महीने। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, फोर ऑफ गैब्रियल या फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। वो बोलता है कि सेलिब्रेशन का टाइम है, अपने आपके हार्डवर्क का आपको अबंडेंट रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अपने आप को बर्डनसम सिचुएशन से रिलीज़ कीजिए, चीज़ों का बर्डन मत लीजिए, सिचुएशंस का बर्डन मत लीजिए, अपने आप को रिलीज़ कीजिए। और इस महीने आपने अफर्म करना है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मैं लाइफ के फ्लो के साथ जाऊँ, मेरे इमोशंस कम्प्लीटली बैलेंस्ड हैं, मुझे पता है अपने इमोशंस को कैसे अपने लिए और दूसरों की बेहतरी के लिए यूज़ करना है, और वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसकी वजह से मेरी लाइफ में हर तरह से रिसोर्सेज, अबंडेंस, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं और आ गई हैं। आपने अफर्म ज़रूर करना है इस महीने। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ आपके लिए आया है सरेंडर टू जॉय। इसका मतलब है, ये कार्ड बोलता है कि पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ में तभी आते हैं जब हम खुश होते हैं, जब हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, जब हम स्माइल करते हैं। तो चाहे इस वक्त मुश्किल हो, चाहे वक्त आसान हो, जब हम खुश होते हैं, जब हम स्माइल करते हैं, जब हम दूसरों के फेस पे स्माइल लाते हैं या अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, तो अच्छे चेंजेस ही हमारी लाइफ में आते हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर किसी चीज़ में आर्ग्यूमेंट का भी पॉइंट बन रहा है, अगर आप एक स्माइल कर दो तो कई बार आर्ग्यूमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही जो पूरी जंग है वो जीत जाते हो। तो इस महीने उसका ध्यान रखना है। कौन मैसेज आपका सबसे पहला मैसेज है, वो बोलता है कि जो भी इनविजिबिलिटी का क्लॉक आपने पहना है, मतलब आप अपनी लाइट को शाइन नहीं करते हो, शो नहीं करते हो, इनविजिबल होने की कोशिश करते हो, उसको उतार दो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा आपके लिए उल्टा है, कि जब आप बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हो उस चीज़ को छोड़ दो और अपने आप को विजिबल होने दो, अपनी रियल लाइट को, अपना एक सॉफ्ट साइड जो है उसको विजिबल होने दो इस महीने, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कार्ड है ऑनेस्टी, वो बोलता है कि जब ऑनेस्टी होती है तो अल्टीमेटली उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, और इसीलिए जस्टिस का कार्ड भी है कि ऑनेस्ट रहिए, आपको किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लड़ाई में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो, तो आपको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। ये मत सोचिए कि ऑनेस्टी का रिवॉर्ड नहीं मिलता है, डेफिनेटली ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिलेगा। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, कार्ड आया है लीप ऑफ फेथ, वो बोलता है अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने हार्ट की बात सुनिए और वो करिए जो आपको खुशी देता है। और वाकई ही में अगर आप लीप ऑफ फेथ लोगे, एक नई बिगनिंग का कार्ड होता है ये, और अगर आप एक्चुअल में अपने आप पे फेथ रखोगे, खुश रहोगे, अपने आप को बैलेंस रखोगे, अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे, बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ोगे, तो एक्चुअल में डिवाइन हैंड है और एस ऑफ वैंड है, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें, नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर फोर आपके लिए है, कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो रेड, ऑरेंज, येलो, इनके कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, पहला कार्ड बोलता है ट्रस्ट योर पाथ, वो बोलता है कि अगर आपको पता है कि आपका सपोर्ट किया जा रहा है, अगर आपको हमेशा पता होता कि आपका सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप क्या करते, आप क्या बिहेवियर करते, वही आपको करना है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं है, वही बिहेव कीजिए कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। सही चीज़ों के साथ चलिए, अपनी लाइफ के साथ चलिए, अपने ग्रोथ के साथ चलिए, किसी के साथ भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को, मेरी ऑनेस्टी को सपोर्ट नहीं किया जाता, या मेरी बातों को सपोर्ट नहीं किया जाता, या मेरे साथ कुछ गलत होता है, उस जोन में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो नहीं करेंगे तो आपके लिए अर्थ पे ही हेवन क्रिएट होगा। हेवन होता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होती, जहाँ पे तकलीफें नहीं होती, जहाँ पे लोग खुश होते हैं। और खुशी का सबसे पहला, और आपके कार्ड्स ही सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपको खुश रहने की जरूरत है। एम्परर जो है ना, वो स्माइल नहीं करता है, वो बहुत स्ट्रांगली अपने थॉट्स में, अपने माइंड में इंडल्ज रहता है कि नहीं, मतलब लाइक आई
आर्मी ऑफिसर की नहीं नहीं ऐसे डिसिप्लिन कई बार ज़रूरी होता है हम उस चीज़ को छोड़ दें, कई बार ज़रूरी होता है हम अपनी लाइफ को इन्जॉय करें, कई बार ज़रूरी होता है हम अपने लाइफ को जिएं। और 2021 आपके सोल ग्रोथ के लिए यही है कि अपना पाथ जो है उसको ट्रस्ट कीजिए, अपनी लाइफ को जिए जिए जियो ज़रूरी, स्माइल करो, दूसरों के साथ स्माइल स्प्रेड करो और अपनी लाइट को शाइन करने दो, अपनी सॉफ्ट साइड को दिखने दो और अपने आप को बैलेंस करके आगे चलो। तो अगर वो करोगे तो डिवाइन हैंड से डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो आपकी तरफ आएगी। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी 2021। ये 2021 जो है वो आपके लिए वाकई में अर्थ पे हेवन क्रिएट करे और सब कुछ बहुत अच्छा हो। आप खुश रहना सीखो और हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। और वीडियोस को सबके साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पाते हैं, वीडियोस के ज़रिए अगर उनको मदद मिलेगी तो आप एक ज़रिया बनेंगे उन तक मदद पहुंचाने का। और बाकी अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, थैंक यू।